नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र वर्मा और मैं इस समय जिस लोकेशन में खड़ा हूं यह है सतवारी चौक का एरिया और आपको एक बोर्ड में हम यहां पे लिखा हुआ नज़र दिखा रहे हैं पुलिस स्टेशन सतवारी स्टॉप फॉर चेकिंग। चेकिंग वालों का ये बोर्ड लगा हुआ है, ये मेन चौक है सतवारी का मेन चौक और यहाँ पर आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जी का यहाँ स्टैचू है और ये जो रोड है जो स्टेट वे आ रहा है पठानकोट की साइड से और ये पठानकोट से चलते हुए बाकी के सारे एरिया को कहाँ आते हुए यहाँ ले जाके जहाँ चाहते हैं ये है आरसपुरा रोड। आगे चल के हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह इस एरिया में जाके दिखाएंगे और यहाँ पे आपको इंडिकेशन करने के लिए हम इस बोर्ड इस चौक का पूरा नज़ारा करवा रहे हैं और इस रोड से आगे चल के हम आपको दिखाएंगे एयरपोर्ट का एरिया और उसके बाद बाकी के सारे एरिया जो हैं वो दिखाएंगे और आगे ले चलते हैं आपको और चल के सारा जो है एरिया दिखाते हैं। सतवारी चौक से चल के हम कुछ ही दूरी पे 1 किलोमीटर की दूरी पे पहुँचे हैं। यहाँ आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है जम्मू एयरपोर्ट। हम जम्मू एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने जो है जहाँ पे एंट्रेंस गेट है जम्मू एयरपोर्ट का, तो ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जम्मू एयरपोर्ट का बोर्ड जहाँ से दिखा रहे हैं। कुछ ही दूरी पर चल के हम पहुँचे हैं यहाँ पर और आगे चल के इसी रोड पर आगे जाके हम आपको काफ़ी प्रॉपर्टीज वगैरह दिखाने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी दिखाएंगे आपको। पहले हम आपको यहाँ पे पूरे रोड का नज़ारा करवा रहे हैं और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, इंडिया का नेशनल फ्लैग जहाँ पे लहराता हुआ आपको जहाँ पे दिख रहा है और ये सारा VIP एरिया है जहाँ इस समय हम पहुँचे हैं और यहाँ से आपको कवर करके सारा कुछ दिखा रहे हैं। ये मेन जो है प्रॉपर्टी है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और ये आपको दिखाना जरूरी था कि यहाँ से चल के कुछ ही दूरी पे हम आपको आगे लेके चलेंगे और वहाँ जाके सारा जो है सतवारी चौक से चल के आगे हमने आपको एयरपोर्ट का एरिया दिखाया है और उसके बाद हम जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे रुके हैं ये है मीरा साहब का एरिया और आप देख रहे हैं सामने मीरा साहब पुलिस स्टेशन का एरिया और आपको इस मेन चौक से हम सारी डायरेक्शन वगैरह दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको रोड वाइज बताएंगे, ये जो रोड है स्टेट वे ये आ रहा है ममका से और इसके साथ चौक में पहुंचते ही आप अगर इस साइड पे चलेंगे दाएं हाथ में जाएंगे तो आगे ये रोड जो है स्टेट से आरएसपुरा को चला जाता है और ये जो रोड है ये चला जाता है अरनिया की तरफ। इस एरिया में आगे चल के हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिखाएंगे और ये देखिए हमारे एरिया में जो हम आपको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के जस्ट 200-300 मीटर की दूरी पर ये यहाँ पर स्कूल बना हुआ है डिवाइन लाइट कॉन्वेंट स्कूल, यहाँ पर मॉडर्न स्कूल है और इसी स्कूल के बिल्कुल साथ में लगते हुए हम आपको जो प्रॉपर्टी जिसकी डिटेल बता रहे हैं आपको 60 मरला की, वो इस स्कूल से जस्ट 200 मीटर की दूरी पे है और ये बहुत ही टॉप क्लास का इंटरनेशनल क्वालिटी का यहाँ पे जो है स्कूल बना है, दिखा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ द बलहर, बहुत खूबसूरत सा बैंकट हॉल यहाँ पे जो बन रहा है नया वो दिखा रहे हैं। ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से बहुत ही बढ़िया ये जो बिल्डिंग है तैयार हो रही है प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जो है डिफरेंट लोकेशन के डिस्टेंसेज दिए हुए हैं। हम आपको यहाँ का पूरा एरिया इस समय दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आगे पीछे खेत ही खेत आपको नज़र आ रहे हैं और साथ में आपको कुछ कॉलोनीज वगैरह और आपको ये सारा जो है एरिया का नज़ारा हम करवा रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं उस प्रॉपर्टी के बिल्कुल इन फ्रंट में जिसकी इंट्रोडक्शन हमने आपको डिफरेंट लोकेशन से दी है, सतवारी आरसपुरा एरिया से हम होते हुए निकले हैं और वहाँ से हम यहाँ जम्मू सिटी से अल्टीमेटली इस प्रॉपर्टी के इन फ्रंट में खड़े हैं और ये जो प्रॉपर्टी है ये है द ब्लैड एरिए के बिल्कुल साथ में लगते हुए एरिए में जस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पे द ब्लैड से द ब्लैड टाउन से आउटर एरिए में जो द ब्लैड से सही को रास्ता जाता है उस रास्ते में हम इसमें खड़े हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है डेवलपमेंट वगैरह आगे पीछे हो रही है। यहाँ पर हम आपको जो लैंड दिखाने वाले हैं वो है उसका फ्रंट जो है 80 फुट का फ्रंट है और 230 फुट का उसका डेप्थ है और टोटल लैंड जो है 60 मरलाज की है, 3 कनाल की लैंड है और इसका प्राइस बहुत ही रीजनेबल हम चार्ज कर रहे हैं, 1,25,000 रुपये मरला के हिसाब से हम यहां पे आपको लैंड दे देंगे लेकिन उसमें यह है कि हमें टोटल लैंड जो है 3 कनाल की इकट्ठी जो है सेल करनी है, उसमें 60 मरला की पूरी लैंड आपको लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने आपको बहुत ही रीजनेबल रेट जो है दिया है, बल्क प्राइस का रेट दिया है। अदरवाइज़ यहाँ पे रिटेल का जो रेट है 2,25,000 के करीब है, 1 लाख रुपए का आपको सीधा सीधा हम डिस्काउंट दे रहे हैं
उसमें यही कंडीशन है कि आपको पूरी की पूरी लैंड जो है लेनी पड़ेगी। आप यहाँ पे कोई बैंक्वेट हॉल बना सकते हैं, कोई बिजनेस प्रेमिसेस शुरू कर सकते हैं, स्कूल शुरू कर सकते हैं, कोई भी आप बिजनेस जो है जहाँ पे शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर जो है लैंड हम जो आपको दे रहे हैं। तो आए आपको लैंड का अब हम आपको पूरा 80 फुट का जो इसका फ्रंट है यहाँ से दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं पे बाउंड्री बाल जो है यहाँ पे खेतों में अलग टाइप की होती है। यहाँ से स्टार्ट होते हुए दूसरे कॉर्नर में हम जब जाएंगे यहाँ पे फसलों का ही एक इंडिकेशन रखनी पड़ती है। ये सारा एरिया जो है 80 फुट का आपको फ्रंट मिल रहा है, बहुत अच्छा फ्रंट मिल रहा है। और उसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड के साथ जो है एक छोटी सी कनाल भी जो है साथ साथ में चल रही है। और इस समय हमने ये जो यहाँ पे ब्रिज आप देख रहे हैं जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की है, इस ब्रिज को हमने परमिशन लेके इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने पूरा तैयार किया हुआ है अपनी लैंड में पहुँचने के लिए। और इसके लिए आपको ये एडिशनल कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस प्रिंसिस यहाँ पर बनाते हैं, जहाँ पर कोई कॉलोनी काटते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। जैसा आपका बिजनेस हो आप उस हिसाब से इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं बहुत ही रिजनेबल रेट में, दुबलैड के एरिया में। और आरसपुरा बिल्कुल पास में है, यहाँ से आगे चल के काफ़ी सारे एरियाज आ जाते हैं, अरनिया का एरिया आ जाता है, और जो खास करके आगे कुछ ही दूरी पे जाके सुचेतगढ़ बॉर्डर भी है। जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, वो जो एरिया है वो इस समय अटारी बॉर्डर की तरह डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और काफ़ी सारे विजिटर्स वगैरह डेली वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे परेड का जो कार्यक्रम है वो है इस समय सैटरडे और संडे को, और काफ़ी सारे लोग जो हैं टूरिस्ट जो हैं वहाँ विज़िट कर रहे हैं। और आने वाले कुछ ही टाइम में वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको परेड वगैरह देखने को मिलेगी। और इसीलिए हम इस एरिया का पूरा इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि यहाँ से आपको जो है सारे एरियाज बिल्कुल नज़दीक में लगेंगे। और इस लैंड को लेने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा आने वाले टाइम में। यहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स और होने जा रही हैं, वो आप उसको कंसिडर करते हुए आप इस लैंड को हमारे साथ लेने के लिए कॉन्टैक्ट करें। और मैं चाहूँगा कि आप हमारा ये वीडियो जैसे शेयर कर दो, हो सकता है आपके किसी दोस्त को या आपके किसी चाहने वाले को ऐसे ही ओपन लैंड चाहिए होगी, जहाँ पर वो वैसे तो ये फर्टाइल लैंड है, और आप जहाँ पर देख रहे हैं राइस भी जहाँ पे उगाया जाता है, और इस समय जो है कनक की खेती पूरे जोरों पे है, और यहाँ पे राइस भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। और आरसपुरा बेल्ट का जो राइस है वो एक्सपोर्ट के लिए मशहूर है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है यहाँ पे। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जहाँ से राइस उगा के जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो जिसकी जो क्वालिटी है बासमती क्वालिटी है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप जब हमारा वीडियो जैसे शेयर कर दें, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने चाहने वालों में, तो कोई ना कोई आपका जो है दोस्त या चाहने वाला ऐसे ही लैंड की तलाश में होगा। तो आप हमारा ये वीडियो शेयर करके उनकी तलाश को ख़त्म करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो जैसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।